दोस्तों यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, और आइए और आप भी हमारे साथ शाम की चाय पीजिए। और आज शाम को मौसम हो गया है बहुत ही सुहाना, और 4 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, आधा एक घंटा मैं सो गई थी। तो मौसम देखिए एकदम बारिश वाला हो गया है। तो चलिए इतने मेरी चाय बन रही है यहाँ, मैं आपको बाहर का मौसम दिखा के लाती हूँ। और देखिए दोस्तों अभी उठी हूँ बस में, मैंने देखा बारिश हो रही है और अभी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की हो रही है और पूरी गली में कीचड़ हो रखी है, लेकिन ज़्यादा तेज नहीं हो रही है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये देखिए तो चलिए अंदर चलते हैं, बन रही है चाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और मैंने चश्मा लगा के दिखा रही हूँ बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी चश्मा लगा के दिखाओ। और ये बैठे मेरे बच्चे, ये बैठे, ये चिंटू भी आया है और कह रहे हैं चाची चश्मा लगाओ। तो मैंने बोला चलिए चश्मा लगा के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कैसे हैं आप सब, अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। और मौसम ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे जुकाम हो गया है, और हल्का हल्का जुकाम लग रहा है मेरे को इसलिए। तो चलिए दोस्तों शाम का वक्त हो रहा है, चाय तो हमने पी ली है और रखे हुए चश्मा अब गुट्टू लगाएगा। और हम तीनों चारों एक एक बार चश्मा लगा के देख रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, मैं कैसी लग रही। और देखिए अपनी बार इसने लगा लिया है और अब शायरी को देख। हाँ गुड्डू 15 अगस्त वाले अब लगाएगी शायरी, अब शायरी ने लगाया और अब लगाएगा चिंटू, अब चिंटू की बारी। और ये चिंटू, अब ये लगाएगा चिंटू। तीनों हीरो लग रहे हो। हेलो कर दो सारे बच्चे, हेलो कर दो, हाय। तो चलिए जी अभी वो ऑफिस से आए नहीं है और बारिश हो रही है और बरसाती तो उन्होंने नहीं ले रखी है, इसलिए आज भीगेंगे नहीं वो, क्योंकि जो इनकी पहले बरसाती थी वो थोड़ी वैसी बरसाती थी, उसको भीग जाते थे। और अब वो आने वाले हैं बस ऑफिस से, फिर उनके लिए चाय बनाऊंगी और हमने तो पी लिया है। और मुझे लग रहा है कि मुझे रात तक जुकाम हो जाएगा क्योंकि मुझे हल्का हल्का लग रहा है। और देखिए दोस्तों आज शायरी अपनी हेयर स्टाइल खुद ही बना रही है, और ये कुछ पूसी कैट वाली स्टाइल बना रही है, इस स्टाइल को पूसी कैट कहते हैं, है ना शायरी? दिखाइयो इधर, इधर करो ना, हाँ बिल्ली के जैसे बाल बनाएगी अपने, जैसे बिल्ली के दो कान होते हैं ऐसे शायरी अपने बना रही है बाल। अब शायरी कहेगी मम्मा ऐसे मत बोलो ना। और दोस्तों शायरी के बाल बना रही हूँ मैं, और शायरी कह रही है मम्मी आज ये वाली हेयर स्टाइल बना दो मेरी, जिसमें से आगे से दो चुटिया बनाते हैं। तो मैं कह रही हूँ उसको क्या है पूसी कैट वाली, और जब भी ये वाली स्टाइल बनाती है तो मैं कहती हूँ कि शायरी आज से तुम मुझको बिल्ली लग रही है। तो देखिए ये स्टाइल ऐसे होती है, इधर थोड़े से बाल लेके इधर से रबड़ लगा देते हैं और थोड़ा इसको उठा देते हैं ऐसे करके, खुले छोड़ देते हैं। और देखिए ये जो स्टाइल है इसमें शायरी बिल्कुल पूसी कैट लगी है ना शायरी। और दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6 और मौसम अब एकदम खुल गया है और अब नहीं आ रही है बारिश, और जो कीचड़ भी हो रखी थी वो भी सारी सूख चुकी है, और शायरी भी दरवाजे में खड़ी है और ये चिंटू भी आ गया है यहीं दरवाजे में, और हवा चल रही है थोड़ी, हम हवा में ही खड़े हैं, हवा आ रही है ना, हवा लग रही है ना ठंडी ठंडी सी। और हाँ आज सुबह साधु आए थे पता है, और शायरी सो रखी थी जिस टाइम साधु आए थे, और उन्होंने इतना अच्छा भजन गाया था, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी। और से, और मैंने इनको चाय दे दी है और अब मैं अपने खाने की तैयारी में लग गई हूँ और आ गई हूँ मैं किचन में।
और आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्जी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं सोयाबीन की सब्जी कैसे बनाऊंगी। और मैं ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी, इसको थोड़ा मैं मसालेदार सूखी सूखी बनाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या मैंने इसके लिए तैयारी कर रखी है। और हाँ, थोड़ी सी मैं दाल भी बनाऊंगी मूंग की, तो दाल मैंने भिगो के रख दी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों, चार मैंने प्याज काट ली है और अदरक लहसुन मैंने कूट लिया है और एक मैंने बड़ा वाला टमाटर काट लिया है। और मसालों में मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर ये लिया है। और गरम मसाला भी डालूंगी, लेकिन बाद में डालूंगी, वो भी हल्का सा ही डालूंगी। और सोयाबीन मैंने थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में भिगो के रख दी थी, तो ये अब एकदम सॉफ्ट हो गई है और मैं इसको भी निचोड़ के रख लूँगी। और थोड़ी सी मैं बनाऊँगी मूंग की दाल बिना छिलके वाली, तो ये भी मैंने अभी भिगो ली है। लेकिन सबसे पहले तो चलिए, अब मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और फटाफट अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल और ये जो सोयाबीन है मैंने पानी में भिगो रखी थी और अब ये मैंने निचोड़ ली है और अब मैं इनको कर लूँगी फ्राई। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, इन्हें जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्की हल्की सी थोड़ी सी लाल सी दिखने नहीं लग जाएंगी। और देखिए रंग इनका चेंज हो रहा है और अब इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो चलिए देखिए, ये हो गई हैं फ्राई और अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसमें डाल दूँगी हींग, और हींग डालनी तो ज़रूरी है ही। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी अब जीरा, तो चलिए जीरा भी डाल दिया। और अब ये मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। तो देखिए दोस्तों, प्याज मेरी फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी ये जो एक टमाटर कटा हुआ है, ये डाल दूँगी। और अब इसको प्याज के साथ ही थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी जो टमाटर गल जाए, फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले। तो चलिए अब डाल देती हूँ मसाले। और अब डाल देते हैं इसमें पानी और इसको अब अच्छे से भुनने देंगे जब तक तेल ना छोड़ दे ये प्याज वगैरह, जब तक इसे अच्छे से भूनूंगी। तो चलिए अब इसको मैं भुनने देती हूँ और थोड़ी सी धसक भी हो गई है। और देखिए मसाला जो है अच्छे से भुन गया है और थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया है मसाले ने। और बस अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर सोयाबीन। और इसको अच्छे से मसाले में भून लूँगी। और देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है सब्जी का। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और अब इसको मंदी आंच पे मैं पकने दूँगी और जब सब्जी बन जाएगी फिर मैं तब आपको दिखाऊँगी कैसी बनी है हमारी सोयाबीन की सब्जी। मम्मी यहाँ पर बना रही है रोटी। क्या सब्जी मम्मी? और देखिए सब्जी दिखाती हूँ हमारी सब्जी कैसी बनी है। ये बन गई हमारी सोयाबीन की सब्जी। कैसी बनी है? टेस्टी लगी है ना। और रोटी चल गई। ये रही दाल और ये मूंग की दाल है बिना छिलके वाली, तो ये बनाई है मैंने। तो चलिए रात का खाना खाते हैं और आइए और आप भी हमारे साथ रात का डिनर कीजिए। हाँ, ये क्या है? डोरीमोन किसने बनाया? सही है, ठीक है। पूरा तो बनवाती, बस फेस बनवाया। हाँ, फेस नहीं बन पाया। उस पे मैं शिनचैन बनवा लूंगी। अच्छा, एक पे डोरीमोन एक पे शिनचैन है, ठीक है। और खाने में मैंने आज बनाया है सोयाबीन। खा लोगी? मैं सोयाबीन खा लूंगी बस। तो सोयाबीन ही है, रोटी नहीं खाऊंगी।
क्यों? मैं ये करती थी सोयाबीन के बाद। अच्छा रोटी नहीं खानी, खाली सोयाबीन खाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9 और रात को मेरे को जुकाम इतना तेज हो गया था तो इस वजह से फिर मैंने रात को वीडियो ऐड नहीं करी थी और मैं सो गई थी दवाई खा के। इन्होंने मुझे दवाई ला के दे दी थी और अभी मुझे जुकाम हो रहा है और मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और अब मैं जाऊँगी दवाई लेने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो यहीं पर कर देती हूँ एंड, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जैसे कमेंट करते हैं इतने प्यारे प्यारे ऐसे ही कमेंट करते जाइए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.